गाइज, आप लोगों ने सीपीसीटी का फॉर्म भरा होगा, जिसके एग्ज़ाम 7 और 8 अगस्त को होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसके एडमिट कार्ड कहाँ मिलेंगे और इसको कैसे डाउनलोड करें। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम के साइट पे जाना है, वहाँ जाके आपको सीपीसीटी टाइप करना है, उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करते ही आपको होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद आपको एक पेज खुलेगा, जिसपे डेट्स वगैरह और उससे सीपीसीटी से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं। यहाँ पे एक नोटिस है, जिसमें दिया हुआ है, ये दो नोटिस है जिसमें दो लाइन लिखी हुई है, इसके जस्ट नीचे एडमिट कार्ड लाइव फॉर सीपीसीटी शेड्यूल ऑन 7th एंड 8th अगस्त 2021 लिखा हुआ है, उसके जस्ट आगे या क्लिक हियर टू डाउनलोड लिखा हुआ है, उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद यहाँ से आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरह का पेज मिलेगा। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड सबमिट करना है। देखते हैं हम, आगे बढ़ेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरह से एक पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन मॉक पेमेंट, सीपीसीटी ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिया हुआ है, उसके जस्ट आपको सेकेंड ऑप्शन पे एप्लीकेशन फॉर्म है, उस पे जाके आपको क्लिक करना है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पेज मिलेगा, जिसपे एप्लीकेशन फॉर्म के जस्ट नीचे ये जो व्यू वाला ऑप्शन है, एक्शन के जस्ट नीचे, उस पर जाके क्लिक करना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको इस तरह का एक पेज ओपन होगा। पेज ओपन होते ही आपको फॉर्म ही खुल जाएगा। यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म के जस्ट आगे एक बॉक्स दिया हुआ है, जिसके अंदर एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, इस पर जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही आपको एडमिट कार्ड पे जाएंगे, यहाँ पे आपको आपके सेंटर का नाम पता चल जाएगा। जस्ट इसके नीचे ये एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, इस पर जाके आप क्लिक करोगे तो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। थैंक यू।